नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल शॉपिंग एडवाइस में। दोस्तों इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं डॉक्टर मॉर्फेन ब्लड प्रेशर मॉनिटर की, जो कि हमने इसको ऑनलाइन परचेज किया हुआ है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपको इसको यूज करना है, क्या इसके प्रोस हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, आपको यह परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसमें कैसे टाइम एंड डेट सेट करते हैं, उसके बाद कैसे यूज कर सकते हैं, और लास्ट में इसके रिव्यूज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो दोस्तों ये है डॉक्टर मॉर्फेन का BP1 फुली ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ठीक है। इसके स्पेसिफिकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इसका मॉडल नंबर है BP02, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मॉडल नंबर भी देख पा रहे होंगे, 1890 का प्रिंट है इसमें, लेकिन ये आपको कम रेट में मिल जाएगा, लगभग 1150 या 1200 के आसपास आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लीजिए। WHO द्वारा प्रमाणित है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्ट इन्फ्लेशन टेक्नोलॉजी है, एवरेज 3 रीडिंग्स आप इसमें हैं, इरेगुलर हार्ट बीट है, अगर आपकी हार्ट बीट इरेगुलर है तो यहाँ पर उसका भी आपको डिटेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 60 जो रीडिंग्स हैं मेमोरी, उनको आप लोग ये सेव कर लेता है, तो आपको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं कि पिछली बार कितना हमारा BP था, ऑटोमेटिक इसमें सेव हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका रिव्यू करेंगे और कैसे BP आपको चेक करना है वो भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसको यहाँ से ओपन कर लेना है इस तरीके से, और ये आपका ओपन हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर कुछ तरीके से यहाँ पर फॉर्म मिलता है, इसको आपको हटा देना है, कोई मतलब का नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये मशीन मिलती है जो कुछ इस तरीके से पैक होगी, ठीक है। यह बॉक्स है अंदर, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इसको साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं इनको भी देख लेते हैं क्या क्या इसमें है, इसको भी हमने कर दिया साइड। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें ये आपके सामने हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये यूजर मैनुअल है, इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसे कैसे क्या करना है, सारी सेटिंग्स हैं, यानी पूरा आपको यहाँ पर टेबल आप कंटेंट मिल जाएगा, जो चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर करना चाहते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इस बुक से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको कफ मिल जाएगा, इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। इतना साइज का है, लगभग 1.5 फुट के आसपास आई थिंक होगा ये, ठीक है। ये आपको मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये आपकी है मेन मशीन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं है, छोटी ही मशीन है। इस तरीके से यहाँ पर लेबल मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर कैसे यूज करना है वो अब आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें नीचे की तरफ आपको मेमोरी दिखेगी, इधर टाइम एंड डेट दिखेगा, ये सिस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर है, और यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप की बटन मिल जाती है, पल्स रेट इंडिकेटर है, इधर सिग्नल बना है, जैसा कुछ आपका BP होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो इसमें आपका डिस्प्ले भी करेगा, अगर हाई BP है तो वो इसमें सिग्नल भी देता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका BP हाई या लो है, तो लो का भी सिग्नल आपको ये देगा, ठीक है। जो स्क्रीन होती है इसकी उसी अकॉर्डिंग कलर चेंज कर देती है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो ये तुरंत स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से डिस्प्ले आ जाएगा, तुरंत ये प्रेशर लेने लगेगा। तो अभी आपको इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सबसे पहले इसमें आपको डेट एंड टाइम की सेटिंग करनी होगी, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग मेजर करिएगा। तो डेट एंड टाइम सेटिंग के लिए आपको यहाँ पर देखिए ये S का बटन दिया गया, इसको लगभग 3 सेकेंड तक आपको प्रेस करके रखना है इस तरीके से। 3 सेकंड प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आपका आ जाएगा ईयर, सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना, तो 2020 चल रहा है। अब ईयर सेलेक्ट करने के लिए करना क्या है, ऊपर वाले जो M वाले बटन है इससे आपको चेंजमेंट करना है, और जब आपका फिक्स हो जाए तो यहाँ पर S बटन से सेट कर देना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इसको हम दबाएंगे तो अगर ये देखिए ऊपर ईयर आपका चेंज होता जाएगा, ये 2054 तक जाएगा आई थिंक, ठीक है। और इसके बाद फिर से बैक हो जाएगा, तो देखिए 2054 तक आ गया, उसके बाद फिर से 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 इस तरीके से आ गया। अब इसमें सेट करना है तो आपको सेट की बटन दबाना है एक बार। अब यहाँ पर देखिए मंथ एंड डेट की सेटिंग है, मंथ ब्लिंक कर रहा है, इसको चेंज करने के लिए ऊपर बटन दबाना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए इस तरीके से बढ़ता जाएगा,
और दसवां महीना चल रहा है तो इसको दसवें में हम सेट कर लेते हैं। जब ये फिक्स हो जाए फिर से आपको इसको दबा देना एस वाले बटन, तो ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डेट ब्लिंक करने लगा, तो आज 18 है। चेंज करना है ऊपर से चेंज कर सकते हैं, इसके बाद सेट करने के फिर एस को सेट कर देना है आपको। यहाँ पर आपको टाइम एंड आवर एंड मिनट की सेटिंग करनी है, तो टाइम देख लीजिए 1:12 अभी हुआ है, बिल्कुल सेट है ये। चेंज करना है तो ऊपर से चेंज कर सकते हैं, इसके बाद सेट बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर मिनट देखो ब्लिंक करने लगा, यहाँ से मिनट को आपको चेंज कर लेना है जितना हो, सेट बटन दबा देंगे। अब यहाँ पर यूनिट सेट करना है तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप 0 पर रहने दीजिए। चेंज करना चाहे तो यहाँ पर एक यूनिट ही है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको यही रहने देते हैं। इसके बाद देखिए डन लिख करके आ गया, मतलब टाइम डेट सेटिंग हो गया। अब ये डिस्प्ले करेगा, देखो ईयर मंथ टाइम सारा कुछ चीज़ें डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसका मतलब आपकी जो मशीन है बिल्कुल सक्सेसफुल इसका टाइम सेट हो चुका है। अब आपको इसको स्टार्ट करना है, बीपी चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम जो हमारा कफ है उसको लगा लेते हैं, इसके बाद फिर आगे चेक करके बताते हैं। दोस्तों जैसे आप ये लोग मशीन खरीदते हैं तो आपके साथ इस मशीन के साथ 4 AAA की जो बैटरी होती है इसी के साथ आती है। इनको यहाँ पर इस तरीके से लगाना होता है, ठीक है, बस और कुछ इसमें नहीं करना है। और यहाँ पर इसको लगाने के बाद अब आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जो आपके पास एयर हैंडकफ मिला इसको यहाँ पर ऐसे आपको लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों कैसे इसको यूज करना मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हैंडकप को यहाँ पर पहन लेना है, और ये जो आपका ट्यूब है ये मेन आर्टरी के पास ही होना चाहिए, और हमेशा आप जब यूज करें तो एक ही हाथ में इसको लगाइएगा, दोनों ऐसा नहीं कि इधर उधर दोनों अल्टरनेट में लगाते रहें, एक ही हाथ में रीडिंग लीजिएगा ताकि प्रॉपर रीडिंग आपकी आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लगाने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपका प्रेशर लेने लगेगा, यहाँ पर रीडिंग इस तरीके से देखिए बढ़ती जाएगी, और जितना प्रेशर लेना होगा उतना ऑटोमेटिक ले लेगा। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये अपना रीडिंग लेगा, और इसके बाद थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट दिख जाएगा कितना यहाँ पर बीपी आपका है, ठीक है। तो ये देखिए प्रोसेसिंग कर रहा है, अपना मेजरमेंट चेक कर रहा है, और अभी इसका सामने कंक्लूजन आप लोगों को देगा, ठीक है। ये अब सामने आप लोग देख पा रहे होंगे ये रीडिंग आ चुकी है 119 जो ऊपर का है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है आपका, और 63 आपका डायस्टोलिक प्रेशर है, जो यहाँ पर पल्स रेट है 116 है यानी 116, ठीक है। और नीचे टाइम भी दिखा रहा है आपका, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो ब्लड प्रेशर अभी हमने चेक किया बिल्कुल नॉर्मल है, तो नॉर्मल में ये ग्रीन आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और जैसे किसी का हाई बीपी होता है तो स्क्रीन इसकी चेंज हो जाती है येलो से रेड की तरफ, ये स्क्रीन चेंज होती चली जाती है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल है या लो है या हाई है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सेव कर लेता है जो भी रीडिंग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेमोरी बटन को आपको जब पावर इसका ऑफ होता है, तो एक बार ऑफ कर देते हैं, देखिए पावर ऑफ हो गया। अब मेमोरी बटन को इसको थोड़ी देर दबा कर रखना है, और यहाँ पर जो रीडिंग सेव होंगी वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं हम 3 सेकंड तक इसको हमने दबा रखा है, 3 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक इस तरीके से दिखने लगेगा। अब यहाँ पर क्या देखिए आपका यहाँ पर पहली रीडिंग दिखाएगा, उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करते जाना, ये देखिए चौथी रीडिंग हो गई, ये तीसरी रीडिंग हो गई, ये दूसरी रीडिंग हो गई, ये पहली रीडिंग हो गई जस्ट अभी हमने जो चेक किया था। यहाँ पर टाइम डेट दिखाता रहेगा, ये जो हार्ट रेट है, यहाँ पर पल्स दिखाता है, यहाँ पर डायस्टोलिक दिखाता है मतलब जो लो वाला होता है ब्लड प्रेशर, और यहाँ पर हाई वाला, तो सब कुछ नॉर्मल ही अभी इस वजह से ग्रीन दिखा रहा है। अगर इसको लगता है कि ब्लड प्रेशर हाई है तो स्क्रीन इसकी चेंज हो जाती है कलर इसका, ठीक है। अब अगर मैं अंत में बताता हूँ इसके प्रॉन्स कॉन्स के बारे में, तो ज़्यादा मुझे कोई यहाँ पर कॉन्स तो नहीं मिला है, कम रेट में अच्छी चीज़ मिल रही है, घर में आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और 60 रीडिंग आपकी ये यहाँ पर स्टोर भी कर लेता है। बस कभी कभी होता क्या है इसमें कि एक ही एक पर्सन का अगर थोड़ी थोड़ी देर में आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो अलग अलग रीडिंग दिखाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें कौन सा है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लोग परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग अमेजोन से इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने वेबसाइट में 9 बेस्ट जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की, उनको अगर आप चेक करना चाहते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग और भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर मशीन्स को चेक कर सकते हैं
पढ़ सकते हैं उनके रिव्यूज़ को। तो दोस्तों अभी आपने देखा डॉक्टर मॉर्फेन ब्लड प्रेशर मॉनिटर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। अब हम आपको ये सलाह देंगे कि ये घर में ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक अच्छा बीपी मशीन है, इसको आप लोग मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन परचेजेस करने के लिए आपको लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग परचेज कर लीजिए। और फ्यूचर में इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।